तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिन्हा और आप देख रहे हैं रिव्यू रिवील। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं रियलमी बड्स के बारे में, जो कि आपकी 25 मई को लॉन्च होने वाली है इंडिया में। तो दिल थाम के बैठिए, इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि रियलमी भी शाओमी और एप्पल और किसी और कंपनी के साथ साथ कंपेयर करने के लिए मार्केट में उतर चुकी है और अपना भी वो बड्स लेके आ रही है। जैसा कि आप इस अभी ट्रेलर में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं, इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो बड्स है वो इस तरह की होगी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। तो बस बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, रियलमी बड्स जो है वो क्यू रियलमी वायरलेस हैंडसेट पोर्टफोलियो का लेटेस्ट एडिशन है। ये ईयरबड्स 25 मई को चीन में लॉन्च किए जाएंगे। वहीं इनके साथ ही रियलमी के 7 नए प्रोडक्ट भी पेश किए जाएंगे, जिनका खुलासा कंपनी ने पहले ही कर दिया है। अब रियलमी बड्स क्यू के डिज़ाइन के लिए रियलमी ने फ्रेंच डिजाइनर जोस लेवी के साथ साझेदारी भी की है। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि कंपनी 25 मई के लॉन्च इवेंट में इस ईयरबड्स के साथ एक अन्य ट्रूली वायरलेस ईयरफोन की जोड़ी Realme Buds Air Neo को भी लॉन्च कर सकती है। माइक्रो ब्लॉगिंग वीवो अकाउंट के जरिए दी इस पोस्ट में ईयरबड्स की तस्वीर भी हम लोगों के साथ साझा की गई है, जिसमें इसके कलर ऑप्शन को देखने को मिला जो कि ब्लैक थी, जो कि पवल शेप के केस में रखी हुई है। पोस्ट में इन TWS ईयरबड्स के लिए लिखा हुआ है कि यह इंस्पायर्ड बाय सॉफ्ट एंड राउंड पेबल के साथ आएगी। हालांकि कंपनी ने फिलहाल इसके और भी डिटेल्स और इसकी प्राइस को लेके कोई जानकारी नहीं दी है अभी तक, जो कि हमें सिर्फ 25 तारीख को ही सुनने को मिलेगी। अब Realme 25 मई के इस लॉन्च इवेंट के दौरान जो 7 अन्य प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाली है, अब तक खुलासा हो चुका है कि कंपनी के नए Realme स्मार्ट टीवी और Realme वॉच को भी लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा माना जा रहा है कि कंपनी इन ईयरबड्स के साथ एक दूसरे जोड़ी ईयरफोन को भी लॉन्च करेगी, जिसका नाम Realme Buds Air Neo है। पिछले रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि TWS Realme Buds Air Neo ईयरफोन ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आएगी और 13 mm ड्राइवर्स और 17 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आने वाली है। डिजाइन की बात करें तो Realme Buds Air Neo देखने में बिल्कुल Realme Buds Air ईयरफोन की तरह ही है, जो कि पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किए गए थे। हालांकि Realme Buds Air Neo की कीमत के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो Realme Buds Q लॉन्च के साथ Realme Xiaomi और उनके सब ब्रांड Redmi को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। Xiaomi इससे पहले Mi Air Dots और Redmi Air Dot S चीनी मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी वो वीडियो कंप्लीट आपके Realme Buds के बारे में, जो कि 25 मई को लॉन्च होने वाली है चाइना में। ये भारत में कब आएगी, इसकी क्या दाम होगी, वो हमें आने वाले समय में पता चलेगा और उसके बारे में सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। तो बस देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाया करेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में। इसी के साथ टेक केयर एंड स्टे होम। यदि अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो इसे भी दबा लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे।